हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। सवाल काफी अच्छा है कि टैली में जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उसको अपने बॉस को सेंड करना है। जैसे अगर आपने कोई कंपनी बनाई है या सारी कंपनियों का डेटा ही, मतलब जो भी कंपनियां आज तक चलती आई हैं सारा डेटा ही आपको सेंड करना है अपने बॉस को ईमेल के थ्रू। तो अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं सेंड कर पाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं हूं। तो देखिए, यहां पर आप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो कंपनी का ही डेटा जनरली मांगा जाता है आपसे, तो आप जो भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है आपका उसको ओपन कर लीजिएगा, जैसे ये ओपन है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अब देखिए ये जो है ना, ये बाई डिफॉल्ट पाथ है टैली का, यानी यहीं पर जाकर के सारी फाइलें सेव होती हैं। अब ये क्या है, सी यूजर्स टैली पब्लिक है, फिर टैली डॉट ईआरपी 9 है, फिर स्लैश करके डेटा है, तो इसी के अंदर सारी फाइलें सेव होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस फाइल का डेटा भेजना है, ईवे बिल वाले फाइल, तो आप देखिए यहाँ पर ही आ गए, ठीक है। अब आपको चाहे कंपनी का भेजना हो डेटा, चाहे किसी भी चीज का भेजना हो, आपको यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर तो आपको आना ही पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक zip फाइल तैयार करनी होती है, ठीक है। अब यहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पाथ आप देख लीजिए, C है, यूजर्स है, पब्लिक है, फिर टैली ERP 9 है, फिर डेटा है। तो यहां पर जाने के लिए आपको ये पाथ फॉलो करना होगा। तो चलिए ये चलते हैं हम, तो यहां पे क्लिक करते हैं, यानी आपके में शायद दिस पीसी होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि माई कंप्यूटर हो पुराना वर्जन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर जो है मेरे में डिस्क पीसी ही दिखाएगा और सी आपको मिल जाएगा, लोकल डिस्क सी यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। अब हमें कहाँ जाना है, यूजर्स में जाना है, तो ये देखिए यूजर्स यहाँ पे दिख रहा है। और फिर आपको पब्लिक में जाना है, जैसा कि आपको टैली वाले पाथ में दिखाई पड़ेगा, ये देखिए पब्लिक है, फिर टैली डॉट ईआरपी 9 है, ठीक है। तो अभी हमें चलना है पब्लिक में, तो ये देखिए ये पब्लिक ऊपर दिया गया है, इस पर जाइए और टैली डॉट ईआरपी 9 में जाना है, ठीक है। अगर टैली डॉट प्राइम वाला डेटा है तो टैली डॉट प्राइम वाले में जा सकते हैं, लेकिन मेरा डेटा यहीं पे सेव है। पूरी की पूरी कंपनी का जो डेटा है, ये डेटा नाम का जो फोल्डर है इसी कंपनी में सेव है, यानी पूरा का पूरा डेटा ही इसी जो ये फोल्डर बना हुआ है इसी फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पर अगर आप इसको पूरा भेजना चाहते हैं तो इसको भी zip फाइल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे इसको करेंगे, उसको जानने से पहले पहले हम फाइल को जान लेते हैं। आपके बॉस ने कहा है कि हमको पूरा कंपनी का डेटा नहीं चाहिए, तो कौन सा डेटा चाहिए, तो जो भी टैली का फाइल है वो वाला डेटा चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे कि टैली का यही फाइल है, तो देखिए यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जब जाते हैं तो आपको इसमें देखिए नाम दिखाई पड़ेगा, जैसे ईवे बिल वाला है ना, तो यहाँ पर देखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रोसरी शॉप वाला क्या लिखा है, 1 लाख 6 लिखा है। तो इस नाम से आपकी फाइलें यहाँ पर मौजूद होंगी। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पहले तो ये डाटा को ओपन करते हैं और अब 1 लाख 6, तो ये नीचे आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे आकर के ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 1 लाख 6, ये दिखाई दे रहा है, तो ये वो फाइल है। अब 1 लाख 6 वाली फाइल कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए ये ग्रोसरी शॉप वाली फाइल जो है 1 लाख 6 वाली है, ठीक है। इसी तरीके से ईवे बिल वाली फाइल कौन है, जिसका 1 लाख नंबर जो है 1 लाख है, तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे तो वो भी हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये फाइल आपको दिखेगी, ये वाली फाइल है, ठीक है। तो जब भी आप इसको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इसको भेजना चाहते हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। ये देखिए अब पहले चेक कर लेते हैं, ये ईवे बिल वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो ईवे बिल वाला इस ये नंबर से है, देख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई और भी फाइल चाहिए, जैसे मान लीजिए ये फाइल चाहिए, तो यहाँ पे तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड है, तो इसको नहीं लेना है, ईवे बिल वाला लेना है, तो यहाँ पे ईवे बिल ये वाला है। और यहाँ पर हम आएंगे तो अब यहाँ पर आना है, ये जो डिस्क पीसी हमने ओपन किया था यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं ये एक फाइल है हमारे पास। इसी तरीके से अनेकों फाइल्स इसमें बनी हुई हैं, 1 लाख 6 वाली फाइल हमारी यहाँ पर है। अब इस पर क्या करना है, ये डायरेक्टली आप सेंड ही नहीं कर पाएंगे, ईमेल पे अगर भेजना है तो डायरेक्टली नहीं भेज सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अटैच नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको करना क्या पड़ेगा, इसको zip फाइल में, यानी कि इसको छोटे रूप में कन्वर्ट करना होगा। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से क्लिक कीजिएगा इस फाइल पे, राइट क्लिक कीजिएगा, और राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है कंप्रेस टू zip फाइल,
तो जैसे ही कंप्रेस टू जिप फाइल करेंगे तो नीचे एक जिप फाइल बन जाएगी। देखिए ये जिप फाइल बन गई है। अब आप इस फाइल को अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अपने ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी ओपन करिएगा, ठीक है। जैसे ही ईमेल ओपन होता है तो आपको कहाँ चले जाना है, ये कंपोज ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लिक कर दीजिएगा और फिर उसी जगह पे चलना है जहां पर कि वो हमारी जिप फाइल बनी थी। तो सबसे पहले तो ये पीसी पे जाना है, सी पे जाना है और फिर वही चीज की यहाँ से फिर कहाँ जाना है हमें, यहाँ से हमें यूजर्स में जाना है, फिर पब्लिक में जाना है, फिर tally.erp9 में जाना है, फिर डेटा में जाना है और फिर नीचे हमारी जिप फाइल बनी हुई नजर आ जाएगी आपको। तो ये देखिए ये वाली जिप फाइल थी, तो इस पे जाके डबल क्लिक करिएगा और ये अटैच हो जाएगा। सफलतापूर्ण अटैच अगर हो गया तो आपको रेसिपिएंट का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी डालता हूँ और उस पे मैं सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेटा यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, ये हमने कर दिया और यहाँ से अब सेंड पे क्लिक कर दिया तो ये फाइल सेंड हो जाएगी। और जब वो वहाँ प्राप्त करेंगे, आपके बॉस जब ये फाइल प्राप्त करेंगे तो उनको अनजिप करना होगा, यानी कि यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है, तो इसे वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसी प्रारूप में देख पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको टैली का डेटा सेंड करना है ईमेल के थ्रू, ठीक है, और कैसे देखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। चाहे जो भी डेटा आपको भेजना हो, अब सपोज कीजिए कि कोई भी डेटा आपको भेजना हो सकता है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, ये जो पाथ देख रहे हैं ना, इस पाथ को आप ध्यान दीजिएगा। इस पाथ को अगर ध्यान देते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप आसानी के साथ ईमेल कर पाएंगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने से तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डेटा वाली फाइल को भेजना है तो यहां पर वापिस आए और फिर वही दिस पीसी पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लोकल डिस्क सी, इसमें चले जाइएगा, फिर यूजर्स में जाइएगा और यूजर्स में जाने के बाद यहाँ पे पब्लिक मिलेगा आपको, पब्लिक में जाइएगा, फिर tally.erp9 है और डेटा वाली फाइल, ये पूरा जो फोल्डर है इसको, इसका पूरा ही डेटा भेजना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके और फिर इसको भी कन्वर्ट करना है जिप फाइल में। देखिए यहाँ पे कंप्रेस टू जिप फाइल, तो यहाँ पे जैसे ही जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी भी फाइलें इस फोल्डर के अंदर हैं सब जिप फाइल में कन्वर्ट होकर एक नया फोल्डर बनाएंगी data.zip के नाम से। अब डाटा ही नाम से था तो data.zip के नाम से ये बन गया और अब इसको आप आसानी के साथ सेंड कर पाएंगे। प्रोसीजर वही है जो मैंने बताया, आप इसको भी आप सेंड कर सकते हैं। तो पूरे कंपनी की ही फाइल जो है एक साथ सेंड हो जाएगी, एक फोल्डर में करके ये पूरी एक साथ सेंड हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और इसके अलावा टैली में जो भी दिक्कत आ रही हो उसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।